ये बांग्लादेश है। पिछले कई दिनों से हालात बांग्लादेश में इस तरह से आम होते जा रहे हैं। सड़कों पर पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और गोलीबारी का आलम है। अब तक कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने फौज को कई शहरों में उतार दिया है। अब तक 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। बांग्लादेश में यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेज सभी गैर मुयना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इंडियन हाई कमीशन ने भारतीय शहरियों और स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। हाई कमीशन ने सलाह दी है कि लोग देश में बढ़ती हिंसा की वजह से गैर जरूरी यात्रा से बचें और बांग्लादेश में रह रहे इंडियंस अपने घरों से बाहर कम से कम निकलें। ये सलाह हाल ही में ढाका में स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद दी गई है। इस हंगामे की वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ये सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का मामला है। प्रोटेस्ट करने वाले इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं। पहले ये सिर्फ प्रोटेस्ट तक महदूद था, लेकिन अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% सीटें रिजर्व हैं अलग अलग लोगों के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा 30% रिजर्वेशन 1971 की बांग्लादेश आजादी की जंग के मुजाहिदों के घर वालों के लिए दिया जाता है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी या मशरकी पाकिस्तान हुआ करता था। 1950 की दहाई से ही बांग्लादेशी कौम ने अपनी कौमी जबान बांग्ला को बचाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी थी, क्योंकि मगरबी पाकिस्तान उन पर जोर जबरदस्ती करके उर्दू थोप रहा था। 1970 की दहाई आते आते गुरिल्ला फौज, मुक्ति वाहिनी और भारत की मदद से रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश को आज़ादी मिली और बांग्ला आवाम का अपना एक मुल्क कायम हुआ। आजादी के बाद बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के फौजियों को बहुत ही इज्जत की नजर से देखा गया। सरकारी नौकरियों में उन्हें और उनके परिवारों को रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन जो बांग्लादेशी जंगी आजादी के वक्त भी पाकिस्तान की वकालत करते थे उन्हें रजाकार कहा गया। उनमें से कई लोगों को मौत की सजाएं भी हुई। बांग्लादेश में हालिया प्रोटेस्ट की जड़ में भी यही रिजर्वेशन है। मुक्ति योद्धाओं के अलावा बांग्लादेश में महिलाओं को 10% और अल्प विकसित क्षेत्रों से आने वालों को 10% आरक्षण है। मूल निवासियों के लिए 5% जबकि विकलांग या मजदूरों के लिए 1% सीट रिजर्व है। इस तरह सरकारी नौकरियों में कुल 56% रिजर्वेशन है बांग्लादेश में, मतलब 100 में से 56 सीटें पहले से रिजर्व हैं। जनरल कैंडिडेट 44% सीटों पर मुकाबला कर सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों की चाह तेजी से बढ़ रही है। कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश में पहला बड़ा प्रोटेस्ट 2018 में हुआ था, जब राजशाही यूनिवर्सिटी से तहरीक शुरू हुई और धीरे धीरे ये राजधानी ढाका और दूसरे बड़े शहरों में पहुंच गई। उस वक्त सरकार पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने पूरा कोटा सिस्टम रद्द कर दिया। तब सरकार के इस फैसले के खिलाफ आरक्षण का फायदा ले रहे लोग अदालत चले गए। हाल ही में जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने सरकार के 2018 के फैसले को गलत करार दिया है और पहले जैसा कोटा सिस्टम नाफिज करने के लिए कहा है। कोर्ट के इस फैसले से फिर स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ दिनों तक तो मूवमेंट पीसफुल चला, लेकिन 15 जुलाई 2024 से हिंसा तेजी से भड़क गई है। इसकी शुरुआत DU यानी ढाका यूनिवर्सिटी से हुई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और बांग्लादेश अवामी लीग पार्टी के स्टूडेंट्स विंग के बीच झड़पें हो चुकी हैं। कोटा सिस्टम के विरोधियों या मुखालफीन का मानना है कि इससे बांग्लादेश में मेरिट बेस्ड कंपटीशन खत्म हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस बयान से आंदोलन और बढ़ गया, जिसमें कहा गया था कि हम मुक्ति योद्धाओं को आरक्षण नहीं देंगे तो क्या रजाकारों को देंगे। वहीं जानकार मानते हैं कि मुक्ति युद्ध को 50 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, तो अब इसके आरक्षण को भी धीरे धीरे खत्म करना चाहिए या कम करना चाहिए। वहीं बहुत से लोग मानते हैं कि बांग्लादेश की नौजवान नस्ल अब आज़ादी की तहरीक से खुद को जुड़ा महसूस नहीं करती, उनकी अपनी दिक्कतें हैं, इसलिए वो इनके रिजर्वेशन के भी खिलाफ हैं। वहीं बांग्लादेश के इक्तदार पर कायम अवामी लीग पार्टी ने विपक्षी BNP और जमात इस्लामी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन जारी रखने की कसम खाई है।